देखिए, प्रधानमंत्री का कल वहाँ पर जाना और हमारे भारत के फौज के सिपाहियों के हौसला उनका ज़रूर बुलंद हुआ होगा प्रधानमंत्री के जाने से, और वहाँ पर ज़ख्मी हमारे अफवाज या फौज के लोगों से मिलना अच्छी बात है। मगर प्रधानमंत्री ने अब वहाँ पर जाकर अपनी गलती या अपना जो गलत बयान दिया था ऑल पार्टी मीटिंग में, प्रधानमंत्री को मालूम हो गया कि उन्होंने देश को गलत बताया था कि ना कोई घुसा है ना कोई वहाँ पर अंदर है। अगर ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है ना किसी हमारे पोस्ट पर कब्जा हुआ है, तो फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री को कल क्यों जाना पड़ा वहाँ पर? तो प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा गूफअप किया, सबसे बड़ी गलती की, देश को सच नहीं बताया ऑल पार्टी मीटिंग में। और कल वहाँ पर जाकर उन्होंने ये बता दिया कि हाँ, चीन भारत की सरजमीन पर घुसा हुआ है, दुश्मन है चीन हमारा, हमारी सरजमीन पर घुसा हुआ है, चाहे वो डेपसांग में हो, चाहे वो पोंगसोंग सू लेक में हो, चाहे गलवान वैली में हो, चाहे हॉट स्प्रिंग पर हो, इन चारों मुकामात पर चीन की फौज भारत की ज़मीन पर घुसी हुई है और प्रधानमंत्री को वहाँ पर जाना पड़ा। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में एक बात कही कि हम वो लोग हैं, उन्होंने कृष्ण का हवाला दिया। हम प्रधानमंत्री से ये बताना चाहेंगे कि आप उस देश के प्रधानमंत्री हैं जहाँ पर लोग कृष्ण को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, बुद्धा को भी मानते हैं, क्राइस्ट को भी मानते हैं, गुरु नानक को भी मानते हैं, और इस देश में ऐसे लोग भी जो इन तमाम को भी नहीं मानते। हमारी पहचान प्रधानमंत्री भूल गए कि संविधान से है। तो प्रधानमंत्री को इस तरह का बयान देकर ये बताना कि मैं सिर्फ एक ही मज़हब की बात करूँगा, एक ही रिलीजन की बात करूँगा, ये गलत है। और ख़ास तौर से ऐसे मुकाम पर जाकर प्रधानमंत्री को कम से कम इस बात का लिहाज रखना चाहिए था, क्योंकि ये जो भारत की खूबसूरती है ये ना चीन में है ना किसी दुनिया के किसी देश में है, और ये सब चीज़ सबको जलती है कि भारत में इस तरह की खूबसूरती है। तो मुझे प्रधानमंत्री के अपने भाषण के उस जुमले पर मुझे सख्त एतराज़ है।